कि यहाँ पर जो पूर्व में मानक है वो 12.4 रखे गए, पूर्व में जो रखे गए थे, तो उस दिन व्यापारियों के साथ हम सब लोग चल चुकी है, हमारा गृह रोड भी है यहीं पे, हमारा हम रहते भी हैं अंदर, तो हम लोगों ने उस दिन मैडम से ये निवेदन किया था कि इस रोड पर उतनी डेंसिटी नहीं रहती, कुछ इसमें थोड़ा बहुत आप देख लें, विचार कर लें, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था। लेकिन इसी रोड पर हमारे जो पालिका अध्यक्ष महोदय हैं, उसी दिन उन्होंने शाम को आप लोगों को एक बाइट दे के बोला कि 8 मीटर और 10 मीटर स्थितियाँ होने जा रही हैं। तो उसके बाद फिर जब हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, जब जिनके नगर पालिका के अंडर में पूरा अभियान चल रहा है, जब वो 8 मीटर और 10 मीटर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात करने की स्थिति में नहीं रहे। लेकिन ये अभी वहाँ से लेके यहाँ तक करीब 9-10 दुकानों में जो चिन्हांकन था वो थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण हो गया था, 2 से 2.5 फीट की उसमें लगभग त्रुटि थी नापने में, जो नापने का पैटर्न था। तो उसके लिए सब दुकानदार भाइयों ने मैडम से निवेदन किया था, तो यहाँ पे मैडम आई और उन्होंने नाप के उस त्रुटि को दूर कर, दोबारा नाप कराएगी आज, दोबारा उस त्रुटि को, तो उसमें कुछ लाभ मिल पाया है? उसमें करीब 2 से 2.5 फीट का अंतर आ गया, तो एक लगभग आधा पौन मीटर का अंतर, एक बड़ा अंतर है। अच्छा अच्छा, आप पर कुछ लोग आरोप लग रहे हैं कि आप रेलवे रोड और लोहाई रोड पर ही दिखाई पड़ रहे हैं, अन्य शहर में कहीं नहीं दिखाई पड़े, फतेहगढ़ या नरकसा वगैरह आदमी अपने दिखाई पड़े? देखिए, हमारा खुद ही जो है कोल्ड स्टोरेज की बाउंड्री तोड़ी गई मसेनी के पास, तो वहाँ पे हम दिखे आपको, और चूंकि स्वाभाविक सी बात है कि हम व्यवसायी हैं और यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर जो व्यक्ति रहता है वहाँ पर अगर कोई चीज़ होती तो उसको तो निकल के आना आवश्यक है ना। हमारा ये रोड है, यहाँ पर हम रहते हैं, हमारी आसपास है, यहाँ के लोगों ने हमको जो है हमसे आशा की उम्मीद की, तो हमारा निकलना बनता है। ये आप व्यापारी संघ के जिलाध्यक्ष भी हैं, जिसके तहत आप फतेहगढ़ में भी देखे जाने चाहिए थे। फतेहगढ़ में व्यापारी कहीं असंतुष्ट नहीं है, किसी भी तोड़ फोड़ से वहाँ पे आवश्यकता नहीं थी, अगर वहाँ पर आवश्यकता होती तो वहाँ भी हम पहुँचते।